हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में जो कि बीएसएफ की तरफ से आ चुका है। बीएसएफ की जब भी वैकेंसीज आती है ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार भी सबके लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं, इवन हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आउट की गई हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सिलेक्शन आपकी किस बेसिस पे होने वाली है, सारा स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट आपने ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे और डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्ट गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे बीएसएफ की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, देन डिस्कस करेंगे सिलेक्शन आपकी किस बेसिस पे होने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्किप मत करना। हर एक पार्ट को आपने ध्यान से समझना है, उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है और प्रिपेयर हो जाना है इसके लिए। इसके लिए आपको अप्लाई कर लेना, अप्लाई करना शुरू हो चुका है। मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। और ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें, 21,700 से 69,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। मीन्स आपकी लेवल 3 के अकॉर्डिंगली आपकी इसमें सैलरी रहेगी, जिसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की, अगर आप अनडिज़र्व कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है। इसी के साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट हैं चाहे अनडिज़र्व कैंडिडेट हैं। और एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, अप्लाई भी आपको ऑनलाइन ही करना है, इन्हीं के पोर्टल पर जाकर, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, देन आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल करके। नेक्स्ट अगर हम इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें, तो 10th 12th ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइप की वैकेंसीज है जो उन्होंने आउट की हैं, पोजीशन एक है बट आगे इन्होंने काफ़ी सारे डिसिप्लिन है जो डिवाइड कर रखे हैं, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके लिए आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोजीशन में डिवाइड कर रखा है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन आपकी किस बेसिस पे होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले आपका होने वाला है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में आपके जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, जो आपके 10th लेवल के ये रहने वाले हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, मतलब आपके 100 क्वेश्चन इसमें 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें, अगर बात करें जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो इसमें आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और करंट इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको पता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट्स जो भी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो मैथ्स के मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, 10th लेवल के होते हैं। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आपने दिया है जहाँ पर 10th लेवल के ही एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, तो इसमें मैथ्स के आपके उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, फ्रैक्शंस रहेंगे, एलसीएम एचसीएफ डेसिमल्स रहेंगे, परसेंटेज रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर एप्टीट्यूड की बात करें, तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सिमिलैरिटीज से रिलेटेड भी आपके रहेंगे। उसके बाद जो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे, वो वैसे डिस्क्राइब तो नहीं किया है, बट अगर इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे तो आपके 10th लेवल के रहेंगे। इवन हिंदी से रिलेटेड रहेंगे, वो भी आपके 10th लेवल के रहेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए तैयार रहना है और अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट हम इसके लिए बात कर लेते हैं फिजिकल की। पहले आपका रिटन होगा,
अब जो भी कैंडिडेट इन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इनवाइट किया जाएगा फिजिकल के लिए, जिसमें अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट इसमें होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए एसटी कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर और अनडिजर्व के लिए 167.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। एंड मेल कैंडिडेट की एसटी कैंडिडेट के लिए जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो आपकी 76 से 81 के बीच में होनी चाहिए और इसके अलावा अनडिजर्व के लिए 78 से 83 के बीच आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका इसमें रहेगा, जिसमें अगर रेस की बात करें 5 किलोमीटर की रेस आपकी रहेगी, 24 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें आपको 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड का आपके पास टाइम इसमें रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया इन्होंने वैकेंसीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंगली विद इन 45 डेज आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया है, वहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर आपको अप्लाई ज़रूर से करना है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।